एक ओर जहां इलेक्ट्रिक चूल्हों एवं गैस सिलेंडरों पर खाना बनाने का प्रचलन बढ़ा है, इस बीच पारंपरिक तौर पर गोईठा एवं चिपरी जैसे जलावन से चूल्हों पर खाना बनाने का परंपरा भी अभी कम नहीं हुआ है। इसको लेकर ग्रामीण एरिया में काफी क्रेज बढ़ा ही हुआ है। मिट्टी से बने चूल्हों में जहां लकड़ी के जलावनों से खाना बनाने का प्रचलन पहले से रहा है, वहीं गोबरों से बनाए गए गोईठा एवं चिपरी से भी खाना बनाने का प्रचलन सदियों पुराना है। पहले जब गैस सिलेंडर और इससे जुड़े हुए चूल्हों का अभाव था, इलेक्ट्रिक चूल्हों का बात ही नहीं था, उस बीच यह परंपरा सदियों से कारगर तौर पर सामने था। लोग इसे आज भी नहीं भूले हैं। बताया जाता है कि गरीबी एवं लाचारी के बीच दूर गांवों में जहां इलेक्ट्रिक संसाधन अभी नहीं बढ़ पाए हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हों का अभाव है, मिट्टी के बने चूल्हों में खाना बनाने की परंपरा को अभी भूले नहीं है। सुदूरवर्ती अविकसित इलाकों में गांव के कस्बों एवं टोलों में गोबरों से बने हुए गोईठा एवं चिपरी से बने हुए जलावन से मिट्टी के बने चूल्हों पर खाना बनाने का क्रेज जो महिलाओं में है वह अब कमा नहीं है। और इस बात की तस्दीक करती हुई देखिए दीपक कुमार तिवारी की यह स्पॉट लाइव रिपोर्ट। अच्छा, क्या नाम हुआ तुम्हारा? खुशबू कुमार। अच्छा, घर के सभी लोगों का खाना बनता है ऐसे ही? हाँ। और सुबह शाम ऐसे ही बनेगा? हाँ। अच्छा अच्छा, जिसे जो ये लगा रहे हो इसको क्या बोलते हैं, चूल्हा? हाँ। किस चीज का बना हुआ है? मिट्टी का। मिट्टी का कैसे बनता है? गीला मिट्टी का? हाँ। नदी से लाते हो निकाल के? हाँ। अच्छा, ये जो लगा रहे हो उसको अंदर जलावन, वो क्या है? गोईठा। ये कैसे बनता? गोबर का। गोबर। अच्छा, खाना जो बना रहे तो धुआं आ रहा है, कितना देर में खाना बनेगा सो बताइए? दो तीन घंटा, चार घंटा में बनता है। तो चार घंटा सुबह में, चार घंटा शाम में। प्रत्येक दिन काम मिल जाता है, सरकारी काम जो मिलता है सो? नहीं। तो फिर कैसे कैसे जीवन चलता है? दूसरे दूसरे में खेती खोद के माल डंगर पोस के। अच्छा, अभी क्या सब्जी बन रहा है? और ऐसे में धुआं हो रहा है, पता नहीं क्या क्या सब, ऐसे में स्वच्छ खाना बनेगा? बीमार पड़ जाएगा आप लोग खाना खा के? क्या करेंगे अब हमको यही है तो कैसे करेंगे? जीने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हमको पता जलावा नहीं है, बैठा है, लकड़ी है, यही से करते हैं। आपकी तरह सभी लोग ऐसे ही करते हैं? कितना परिवार होगा इधर? परिवार के कितना परिवार होगा? अच्छा, कौन सा गाँव हुआ? चनपुरा, साकरी चनपुरा। किस पंचायत में हुआ है? हत्ता पंचायत। वार्ड संख्या यही है 15। अच्छा, ब्लॉक कौन सा हुआ? बंदरा। मुजफ्फरपुर जिला है। खाना भी बनता होगा इससे? खाना नहीं बनता है, गैस पर। नहीं, जिनको जरूरत होता है वो बनाते हैं। हाँ, वो जेका नॉन रही से जरना तक तो बना भी के पड़े। कौन चूल्हा में? मिट्टी वाला में बनेगा की किस में बनेगा? मिट्टी वाला। मिट्टी से बनता है अलग? तो आप बराबर बनाते रहते हैं? नहीं, कहियो कताल बना ले। अच्छा, ये किस गोबर से बनता है? गाय भैंस किसी के भी? हाँ। अच्छा, जो लोग पालतू रखे रहते हैं उससे ये गोबर से यही बनाते हैं? हाँ। अच्छा, ये जो बना है उसको क्या बोलते हैं, गोईठा की क्या बोलते हैं? कोई गुरहा भी बोलते हैं, कोई गोईठा बोलते हैं। अच्छा। हाँ, जो चौड़ा टाइप का चीर के बनाते हैं वो चिपरी। अच्छा, ठंडा महीना में लोग इसका याद का भी यूज? हाँ हाँ, ठंड से बचाव के लिए भी यूज करते हैं। घोड़ा उड़ा बनाते हैं? हाँ। कैसे बिकता होगा, क्विंटल पर या कैसे? ये मतलब जिसको जैसा होता है वैसा, उस हिसाब से जैसा कस्टमर। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार। कौन सा गाँव है?